कत्ल कल रात 2-3 के बीच हुआ। मकतूल का पूरा जिस्म खून से लथपथ था। लाश के पास कोई हथियार नहीं पाया गया। बाकी तहकीकात जारी है सर। वो लोग कहाँ हैं? आपके कमरे में सर। तुम? मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ पता नहीं चला और ना कभी चलेगा। तुम्हारी ये बेटी घूमने के बहाने ऐसे दोस्तों के साथ जाती है जो बेगैरत है और कातिल भी। अंकल, अनीता के साथ मैं भी तो था। तुम उसके साथ थे या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी मजबूरी थी, गाड़ी खराब हो गई, रास्ता बंद हो चुका था, टेलीफोन के वायर्स कट चुके थे, इसलिए हमें वहां पर रुकना पड़ा। I'm sorry, but... सॉरी कह देने से कुछ नहीं होता। इंसान के अपने कुछ उसूल होने चाहिए। लेकिन अंकल वो बस मुझे ज्यादा बहस पसंद नहीं। आइंदा इस बात का ध्यान रहे। परम कहाँ है? परम ने खून नहीं किया। फिर ये खून किसने किया? ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ परम ने खून नहीं किया है। परम कहाँ है नहीं जानती, खून किसने किया ये भी नहीं जानती। फिर ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये खून परम ने नहीं किया? तुम लोगों के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। आज नहीं तो कल पुलिस उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। तुम लोग जा सकते हो। बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। होश में आओ परम, होश में आओ। मैंने सीमा को नहीं मारा। सीमा कैसे मरी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं घबरा गया था। सीमा मेरे सामने तड़प तड़प के मर गई। तुम्हारे सामने नहीं बच्चे, तुम्हारे हाथों तड़प तड़प के मर गई। नहीं पापा, पर हमने खून नहीं किया। तुम क्लास में जाओ। अब मेरे ये नौटंकी हवालात में चलकर करना। चलो पकड़ो इसे। अरे पापा, अरे पकड़ो इसे, अरे भागने ना भाई। अरे परम, मेरी बात सुनो। अरे चल प्रकाश, चल अंदर। रात में दे, मैंने कुछ नहीं किया। प्रकाश क्यों बे?
परम को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अरे उसने ऐसे मारामारी की थी ना, इसीलिए। मारामारी मेरे साथ की थी लेकिन पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? पुलिस को बहुत गुस्सा आया। अच्छा? हाँ, पुलिस ने बोला अबे तू परम मर्द होके औरत से लड़ता है। हाँ। है? अरे पुलिस है, कुछ भी बोल सकती है, पंगा ले सकते हैं। लेकिन तू नहीं बोला? अरे नहीं। अनीता, 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 ठीक हो ना? क्या हुआ अनीता? आर यू ऑल राइट? यस सर, आई एम ओके सर। प्रकाश जी, तुम अनीता को घर छोड़ाओ। नो सर, आई एम ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कोई खून नहीं किया प्रकाश, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने खून नहीं किया तो सीमा मरी कैसे? कम से कम तुम तो मेरी बात का यकीन करो प्रकाश, मैं भला सीमा को क्यों मारता? तुम तो जानते हो मैं उसे कितना प्यार करता था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? क्या सीमा अपने आप ही चिल्लाती रही? क्या कोई जमीन से निकला और उसे मारकर चला गया और तुम देखते रहे कुछ ना कर सके? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है, मेरी बात का यकीन करो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सीमा चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो परम, ये मुझे मार डालेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने
मैंने जब उसके ऊपर से चादर उठाई तो देखा देखा वो मौत से लड़ रही थी और देखते ही देखते वो खून से लथपथ हो गई, वो खून से लथपथ हो गई। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। प्रकाश, मेरी बात का यकीन करो प्रकाश, यही सच है, यही सच है।